नमस्कार दोस्तों, भारत के अयोध्या में राम मंदिर में अभिषेक समारोह हो रहा है और उसका उद्घाटन चल रहा है। तो दूसरी तरफ नेपाल में माता जानकी के जनकपुर मंदिर में भी इसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लोग रामलला के नए भव्य मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और उसका जश्न मना रहे हैं त्योहार की तरह। वहीं देवी सीता और उनके पिता राजा जनक के कथित घर के रूप में जाने जाने वाले जनकपुर इस समारोह से कैसे दूर रह सकते हैं, और इसीलिए जनकपुर भी रंगीन रोशनियों से सजा हुआ है। और इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए जनकपुर में भी 1.5 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, क्योंकि आप माता सीता को और प्रभु राम को कभी अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं। कई यात्राएं निकली जो कि जनकपुर से अयोध्या के लिए निकली, बहुत सारा सामान निकला, बहुत सारे भक्त निकले जो कि इधर और उधर दोनों तरफ से इस मंदिर के लिए पूजन कर रहे थे। ये उन सभी के लिए एक बड़े जश्न जैसा है। सदियों पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और कई शासकों ने उसको धराशाही किया, लेकिन कई सालों बाद अब एक मंदिर देखने को मिल रहा है जो कि बनाया जा रहा है। और ये फैसले के बाद आया जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और यहाँ पर मंदिर बनाने की अनुमति दी, क्योंकि कई सबूत और साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था और कई मुगल शासकों ने इसको धराशाही किया था। और सिर्फ ये एक ही मंदिर नहीं है जिसको मुस्लिम शासकों ने धराशाही करके मस्जिद बनाई थी, ऐसे 400 से भी ज्यादा मंदिर है जो कि भारत के अलग अलग जगह पर है जिनको धराशाही किया गया था। लेकिन ये मंदिर एक विशेष स्थान दिलों में रखता है, क्योंकि ये श्री राम जन्म भूमि थी और माना जाता है ये वही अयोध्या है जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था, और यहाँ मंदिर इसीलिए हुआ करता था। एक समय था कि जब मस्जिद भी बनी थी तब यहाँ पर पूजन हुआ करता था, पूजा करने वाले भक्त भी आते थे और मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी आते थे, क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई थी। और यहाँ पर जो मस्जिद हुआ करती थी उसका नाम खुद मस्जिद जन्म स्थान हुआ करता था, जिसके बाद अब मंदिर बन रहा है। और इस मंदिर को बनाने के लिए नेपाल से भी कई सारी चीजें भेजी गई, जैसे कि मूर्ति को बनाने के लिए सालीग्राम का पत्थर जिसको स्वयं भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, और ये सालीग्राम नेपाल के काली गंडकी रिवर में ही मिलते हैं जिसको खुद भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। और इसी तरह कई सारी चीजें भेजी गई जो कि इस मंदिर में नेपाल से आई हैं और नेपाल से लगाई गई हैं, क्योंकि ये दोनों ही देशों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है। जहाँ पर एक तरफ सीता माता का घर है तो दूसरी तरफ भगवान राम का, और ये अपने आप में दोनों ही देशों के रिश्ते को भी काफी खास बनाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग माता जानकी के मंदिर जाते हैं और इसी बहाने नेपाल जाते हैं, नेपाल का आनंद लेते हैं। वैसे ही नेपाल से भी कई लोग अब आएंगे जो कि राम जन्मभूमि को देखने आएंगे, राम मंदिर को देखने आएंगे। कई परंपराओं के साथ इस मंदिर को बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और ये देखने में बिल्कुल भव्य है। आपकी क्या है इस पर राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एज ए नेपाली क्या आप इस मंदिर के बनने से खुश हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और अगर आप कुछ और विचार भी रखते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी और अपडेट के लिए देखते रहिए एनआई न्यूज़ विद शिवम।